आज भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में कुंग फू सीखा जा रहा है। जी हाँ, और कुंग फू का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और न जाने कितने सारे हीरो भी सीख कर अपने ब्लैक बेल्ट और रेड बेल्ट, न जाने कितने सारे लोग इसमें चैंपियन हो चुके हैं और इस कारण से अपने बॉडी को फिट भी रखते हैं और साथ ही साथ ये एक बार में 10 से 20 लोगों के साथ भिड़ने के बाद भी ये जीत जाएंगे। आज भारत में लड़कियां के साथ साथ कई लड़के भी कुंग फू कराटा सीख रहे हैं, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का सही राज पता है? तो शायद बिल्कुल नहीं पता हो। तो इस वीडियो में बने रहें और साथ ही साथ आपको बता दें कि मैं हूं चंदन गुप्ता, आप आ गए दुनिया की बातें चैनल पर। और बता दें कि ये कुंग फू कराटा जो है एक हमारे भारत से ही आया है और दुनिया के अलग अलग जगहों पर लोग इसका उपयोग करते हैं और इसका मान्यता प्राप्त हुआ है। और कुंग फू कराटा सही में आपको एक नहीं कई एक चीज़ सिखाता है और हमारे बुद्ध किस तरह से आसन करते थे, किस तरह का सारा काम करते थे, ये सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें, साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आदमी अपने आत्म सुरक्षा के साथ साथ कुछ लोगों को बिना हथियार के साथ सुरक्षा भी किया जा सकता है। देखिए, इस घड़ी में कुंग फू आया कहाँ से? जी हाँ, ये बहुत बड़ा इसके पीछे एक कहानी है। भारत में कई सन्यासी चीन पहुँचे थे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, लेकिन सबके बीच चर्चा की कि आखिर ये भिक्षुक बिल्कुल अलग है, आखिर इसका स्वागत और इसका सीमा आम जनता के साथ वो खड़ा था। और आपको बता दें कि भारतीय से पहला आमना सामना हालांकि उन चर्चाओं में अनुभव नहीं रहा। बिखरते और बड़े बाल और बेहतर बीब दाढ़ी, घुरती आँखें और अस्त व्यस्त कपड़े, यह इंसान भला गौतम बुद्ध के उपदेश को कैसा फैलाएगा? फिर भी वे पूरी विनम्रता के साथ अपने कामों को करते गए। गौतम बुद्ध के कुछ चेले जिनका नाम वू था, वू सन्यासी से पूछा गया कि मैंने कई बुद्ध मत बनाए और यूनिवर्सिटी खुलवाई और हजारों सन्यासियों का खर्च उठा रहा हूँ। वही बता दें, कुंग फू को दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट भी कहा जाता है और जिसका आविष्कार 4वीं शताब्दी में चीन में हुआ था। और चीन का सुआ साओगिन मंदिर में कुंग फू का आविष्कार विश्व का प्रसिद्ध, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कुंग फू आर्ट है। लेकिन कहा जाता है कि एक बौद्धिक धर्मों का बहुत बड़ा एक योग था जो कि बुद्ध के द्वारा आया था, और बुद्ध हमारे बिहार से ही है, और इस कारण तो भगवान बुद्ध का इस भारत में कोई कदर नहीं कर पाया। एक बहुत पहले राजा हुआ करते थे जो कि बौद्ध धर्मों, बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्मों के जितने भी चेले थे सबको बहुत मारा, बहुत पीटा और उनसे ज़बरदस्ती हिंदू धर्म में आने की बात कही गई। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म आज बिहार में कहीं नहीं बचा, हर जगह हिंदू धर्म का एक डंका पीटा जा रहा है। और इसी कारण से आज पूरा बिहार में बौद्ध धर्म के होते हुए भी और बौद्ध धर्म बुद्ध भगवान के यहाँ जन्म लेने के बाद भी लोग हिंदू धर्म में ही रहना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि उस ज़माने में बहुत डराया गया, मारा पीटा गया और न जाने कितनों लोगों को जला भी दिया गया। और इसी कारण से आज पूरे बिहार में हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचलन है, न कि बौद्ध धर्म का। वहीं बौद्ध धर्म के कुछ बौद्धिक ने यहाँ से भाग कर चीन की तरफ प्रस्थान किया, और यही कारण है कि वहाँ पर प्रस्थान करने के बाद वहाँ की मंदिरों में जाकर पहुंचा और एक नए मंदिर का, बौद्धिक मंदिर का स्थापित करने के बाद वहां के लोगों को इसके बारे में उपदेश देना चालू किया और ये एक प्रकार का वहां का कुंग फू चल बना गया। लेकिन ये कुंग फू सिर्फ और सिर्फ भारत का देन है और हमारे बिहार से ही निकला गया है। तो यही था कुंग फू कराटा का पूरा डिटेल। मिलता है अगले वीडियो में कुछ नई बातें और कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।